दोस्तों अब हम इस वक्त गंगोत्री जा रहे हैं और यहाँ बर्फ ही बर्फ पड़ी है रास्ते में। यहाँ आगे चल रहे हैं प्रमोद कुमार और पीछे चल रहे हैं रविंद्र। इस वक्त सिर्फ उधर पीछे मत रह जा यार। यहाँ इस वक्त सिर्फ 5 लोग हैं, 2 वहाँ हैं और 3 यहाँ हैं। पूरे गंगोत्री धाम में इस वक्त 5 लोग हैं, 5 पांडव। तारीख 8 मार्च, लेकिन यहाँ का नज़ारा देख के लग रहा है जैसे जनवरी का महीना हो। मंदिर तो बंद है, जूते क्या करना उतार के फिर आगे देखिए। मंदिर के मुख्य परिसर में प्रवेश करते हुए जय माँ गंगे। जय गंगे। यह है गंगा मैया का मुख्य मंदिर। जय माँ गंगे। अच्छा पंडित जी, फिर 12 मार्च यहीं घर ही रहते हैं? मुझे 13 साल हो गए सर। नहीं वैसे मैं यहीं का पुरोहित हूँ, 12 महीने रहता हूँ। 12 महीने पे? हाँ 12 महीने। वो प्रत्येक साल पीछे होते जाएगा, कभी 100 मीटर कभी 50 मीटर टूटता रहता है, तो पीछे बर्फ हटता जाता है। ये है 20 किलोमीटर पड़ेगा? हाँ 20 लगभग है, पूरा 20 है। ये है सुदर्शन पर्वत, ये जो आप देख रहे हैं ये है सुदर्शन पर्वत। ये आराम से चले जाओ, पूरा ग्लेशियर ग्लेशियर है। यहाँ से चलिए और आप सीधा गौरीकुंड सूर्यकुंड के पास निकलेंगे, फिर वहाँ से उधर से फिर वहाँ से आप सीधा गाड़ी के पास निकल जाए। अच्छा निकल जाएंगे इस वाले रास्ते से? हाँ इस वाले। अब तो 13 में और मल में से सारा दब गया। अच्छा। तो आजकल लोग सांप दिखाई देता था। अच्छा आजकल जो सर्दी में जो खाबी दिखाई देता तो जल चढ़ावा माना जाता है, यहीं से लोग जल भर के लिए जाते हैं रामेश्वर के लिए, ज्योतिर्लिंग जहाँ भी जाना हो तो यही से जल भैया। अच्छा जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। अरे वाह, यहाँ तो नदी बिल्कुल नीचे नीचे। जय माँ गंगे। जय माँ गंगे। जय भागीरथी। दोस्तों ये है भागीरथी नदी, देखिए।
रुपए दो दो मोबाइल। ये हमारा ग्रुप देखते हैं आपको क्या है। हाय सर, ओ ओए भाई ये हरी हरी इधर मत जाइयो, ये नीचे खाई है, इधर मत जाइयो शायद इधर खाई है हमारे पक्षियों पे। चल ये कितना गहरा है, ये तो कूदना पड़ेगा भैया। क्या हमारा आज का दिन यहाँ पे समाप्त होता हुआ और अब अच्छे नहीं हो रही है।